गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग सभी अच्छे से होंगे। बच्चों, आज अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे पार्ट एक, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले बच्चों, भाषा में हम पहला टॉपिक लेंगे भाषा। भाषा क्या होती है बेटा? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब हमारे मन की बात हम दूसरों को बताते हैं और दूसरों की बातों को खुद समझते हैं। क्योंकि अगर भाषा नहीं होगी तो आप मुझे बताइए, आपके अंदर जो कुछ भी, सपोज भूखी लग रही है आपको, तो कैसे बोलेंगे आपकी मम्मी खाना दे दो? बोलने होंगे जब तो मम्मी को पता चलेगा ना। तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आया समझ में? भाषा वह साधन है बच्चों जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अब है भाषा के प्रकार। बच्चों, भाषा के तीन प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होती है बच्चों? नाम से ही पता चल रहा है, मुख से बोले जाने वाली भाषा, यानी वह भाषा जिसे बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान होता है। वह भाषा जिसमें बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान होता है वह मौखिक भाषा कहलाती है। आप लोग देखते हैं, कहानी सुनते हैं, घर में दादी माँ कहानी सुनाती है, तो कौन सी भाषा का उदाहरण हो गया? मौखिक भाषा का। रेडियो में आप लोग गाने सुनते हैं, न्यूज सुनते हैं, भाषण देते हैं स्टेज पे खड़े होके, तो ये सब कौन सी भाषा हो गई? मौखिक भाषा। मौखिक भाषा क्या होगी? जिसमें विचारों का आदान प्रदान बोलकर और सुनकर किया जाता है। क्लियर? अब है आपका सेकंड, लिखित भाषा। नाम से ही पता चल रहा है बच्चों, लिखित भाषा क्या होती है? जिसमें लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। जिसमें लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। आप लोग पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, नॉलेज लेते हैं। आप देखते हो कि पुरानी, इतनी पुरानी गीता, कुरान, बाइबल, ये सब लिखी हुई है, तो हमें पुराने टाइम के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है। हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो हमें संपूर्ण संसार की समस्याएं या जो भी कुछ संसार में घटना घटित हुई है वो सब हमारे को जानकारी मिलती है। हमारे देश में क्या हालात है वो सब हमें अखबार के द्वारा पता चलता है। तो कैसे पता चलता है? आप उनको पढ़ते हो, ठीक है? किताबों से आप ज्ञान प्राप्त करते हो तो पढ़ते हो, ठीक है? तो लिखित भाषा क्या हो गई? वह भाषा जिसमें लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। देखो बच्चों, दोनों में एक अंतर है। मौखिक भाषा को हम ज्यादा देर याद नहीं रख सकते। मौखिक भाषा ऐसी होती है, अस्थाई, स्थिर नहीं होती, स्थाई नहीं होती है। आज आपने कोई बात बोली, अगर आपसे 5 दिन बाद बोली जाए कि आपने इतने बजे क्या बोला, तो हमको याद नहीं रहता, ठीक है? लिखित भाषा क्या होती है? स्थाई रूप से होती है कि हम उन्हें लंबे समय तक रख सकते हैं। आप लोग पहले के वेद पुराण में पढ़ते हो ना, उस टाइम का हमें ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो वो कौन सी भाषा है? लिखित भाषा। क्लियर? अब है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा क्या होती है बच्चों? जिसमें संकेतों के द्वारा विचारों का आदान प्रदान होता है। संकेतों के द्वारा, ठीक है, इशारों के माध्यम से। आप देखते हो चौराहे पे जो पुलिस वाले खड़े होते हैं, तो वो संकेतों से रेड लाइट, ग्रीन लाइट के बारे में बताते हैं आपको, रुकने के लिए, चलने के लिए इशारा करते हैं आपको। जो बोल सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, वो अपनी बात कैसे दूसरों को बताते हैं? वो संकेतों के माध्यम से ही अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाते हैं। लेकिन बच्चों, हमारी जो हिंदी व्याकरण है उसमें सांकेतिक भाषा का महत्व नहीं बताया गया। क्यों? क्योंकि क्या होता है बच्चों, संकेतों को सभी लोगों को समझने में कठिनाई होती है, तो व्याकरण में मौखिक भाषा और लिखित भाषा का ही प्रयोग किया गया है। आगे आपको समझ में? अब हम भाषा में सबसे पहले पढ़ेंगे मातृभाषा। देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चा छोटा होता है, घर में रहता है, तो वो कौन सी भाषा सीखता है? जो उसके पैर मम्मी पापा या परिवार के अन्य सदस्य के लोग बोलते हैं। तो जो परिवार में भाषा बोली जाती है, जो माँ के द्वारा व परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा जो भाषा बोली जाती है, उसे कौन सी भाषा कहते हैं हम लोग? उसे मातृभाषा कहते हैं। क्या होगी मातृभाषा बच्चों? मातृभाषा वह भाषा होती है जिसमें माँ और परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा भाषा बोली जाती है। क्योंकि बच्चा पहली भाषा कौन सी सीखता है? मातृभाषा ही सीखता है। आगे समझ में? अगर आप लोगों के चैप्टर समझ में आ गया है तो आप मेरे इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। पहला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? बता दिया था मैंने, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर? मौखिक और लिखित भाषा में क्या अंतर है बच्चों? मौखिक और लिखित भाषा, मौखिक भाषा वह भाषा होती है
जिसमें बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। और लिखित भाषा वह भाषा होती है जिसमें लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। थर्ड है आपका क्वेश्चन, मातृभाषा से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों, मातृभाषा वह भाषा होती है जो माँ तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोली जाती है। आशा है आपको आज का टॉपिक भाषा समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक बोली, लिपि और व्याकरण हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।